लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सर, दो खुशखबरी थी सर, उसके साथ मैं इस चर्चा को प्रारंभ करना चाहूंगी आपकी अनुमति से। कल राष्ट्रीय फिशरीज दिवस है सर, उसके संदर्भ में दो राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है सर। एमएम फिश सीड कल्टीवेशन लिमिटेड माना को और एमआईके कंपनी दमतरी को मिला है। सर, दूसरी खुशखबरी ये है सर कि चिराग जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का फाइनल निगोसिएशन वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो चुका है सर। अब केवल वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है December 15, केवल उसका इंतजार है सर। 3 माह के भीतर 750 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो प्रारंभ होने की स्थिति में आ जाएगी सर। सर, 500 करोड़ के सेम प्रोजेक्ट ईफेड के माध्यम से हम लोग निगोशिएट करना प्रारंभ कर दिया है सर। उम्मीद ये है सर कि अप्रैल तक हम इसको भी प्रारंभ करने की स्थिति में हो जाएंगे। सर, इसके साथ साथ आज आपने गोधन न्याय योजना के समीक्षा के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए निवेदन करना चाहूंगी सर कि कुल गोटान आज की स्थिति में 6,430 है सर, जिसमें सक्रिय गोटान है 3,726, कुल पशुपालकों की संख्या 7,17,394 है, जिसमें से पंजीकृत है सर 2,10,017। लाभान्वित पशुपालक आज की स्थिति में है सर 1,32,855 और आज तक की जो कुल खरीदी है सर 26,76,00,000 क्विंटल है सर। आज आपके करकमलों से सर 6,18,00,000 रुपए की किस्त हम जारी करेंगे सर। अगर हम और ये कुल मिलाकर सर 20 जुलाई से आज की 15 नवंबर तक की स्थिति अगर देखेंगे, ये 53,53,00,000 की राशि हमने पशुपालकों तक गोबर खरीदी के माध्यम से पहुंचाया है सर। अगर संगठनवार अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो ये परिलक्षित होती है कि जो हितग्राही है सर, इसमें 53% अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और अनुसूचित जनजाति के 35% हैं और अनुसूचित जाति के 7%, इसमें सर 46% महिलाएं हैं। सर, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगी, कृपया बटन दबाकर ये राशि अंतरण करें। धन्यवाद सर। स्लाइड्स लगाने के लिए बोलो। ये नहीं है, सर निवेदन करूंगी कि गोठानों की अगर जानकारी देखना चाहेंगे तो शहरी क्षेत्र में सर 279 कुल स्वीकृत हो चुके हैं सर अभी, और इसमें से 205 बने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर हम लोग आपके निर्देशानुसार सर गोठानों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1 नवंबर को जब आपने समीक्षा की थी तो ये 6,021 थी और आज की स्थिति में सर 6,430 हैं, और जो निर्माणाधीन है सर ये 1,608 है। आगे बढ़ेंगे, आगे आगे सर, ये वर्मी टांग का निर्माण और कंपोस्ट उत्पादन की स्थिति है सर। पिछली बार जब आपने समीक्षा की थी सर, वो केवल हम लोग 70,146 पे थे वर्मी टांग का, और आज की स्थिति में 75,590 है सर। इसमें पूर्ण है सर 48,304, आप देखेंगे कि करीब 40,000 करीब अंतर आया है सर ये 15 दिन में, और जो प्रगतिरत है सर इसमें करीब 3,000 की वृद्धि हुई है सर, और जो अप्रारंभ वर्मी टांके हैं इनकी संख्या भी कम हो गई है सर। उत्पादन अब प्रारंभ हो चुकी है, जैसे मैंने आपको पहले विगत समीक्षा के दौरान निवेदन किया था सर। विक्रय की स्थिति में भी 1.5 गुना बढ़ोतरी हो गई है, 1,459 क्विंटल हम लोगों ने ऐप के माध्यम से वितरण किया है सर। सर, नमूनों की संख्या 698 है सर, इसमें जो विश्लेषित है
450 करीब है सर। इसमें वर्तमान में सर 5 प्रयोगशालाओं में ये विश्लेषण चल रही है और आगामी 10 दिवस के भीतर सर हम लोग दंतेवाड़ा, रायगढ़ और बस्तर के जो लैब्स है उसको फंक्शनल करा देंगे। सर जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं सर आज की स्थिति में, बात ये थी कि जो सक्रिय घोटानों की संख्या है सर ये काफी बढ़ गया है अभी और 3,726 तक पहुंच गए हैं। लाभान्वित पशुपालकों की भी संख्या में काफी बढ़ोतरा हो गई है सर, 64,000 जब हमने प्रारंभ किया 64,000 से अब 1,32,000 के ऊपर हो गया है सर। 1,641 स्वसहायता समूहों के द्वारा 48,304 वर्मी कट्टांकों को भर दिया गया सर और करीब 10,000 क्विंटल का उत्पादन हो चुका है सर। अब खरीदी अब खाद बेचना प्रारंभ कर दिया है सर और हम आपके निर्देशानुसार विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, हॉर्टिकल्चर, कृषि विभाग और शहरी विकास, फॉरेस्ट विभाग, सब लोग खरीदना प्रारंभ कर दिया सर। इसमें एक और पहल हम लोगों ने करने की कोशिश की, बड़े बड़े किसानों को सर रबी के दौरान इसका उपयोग करने के लिए हमने आग्रह किया सर। रायगढ़ जैसे जिला, बाकी जिलों ने ये आइडेंटिफाई किया है सर किन किसानों को वो बेचेंगे। उसके साथ साथ कृषि विश्वविद्यालय से सर एक निर्देश हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है सर कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग रबी में कैसे किया जाए, इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं सर। आगे सर दिवाली के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही सर कि हमारे महिला स्वसहायता समूह 220 इनके द्वारा काफी मेहनत करके जो दिया इत्यादि जो बनाए थे सर, इसमें इनका करीब 45,00,000 आय उपलब्ध हुआ सर उनको, और अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो करीब 2,500 रुपए इनको आय प्रति महिला प्राप्त हुआ है सर। सर आपने स्वालंबी गोठान को बढ़ाने के लिए आपका निर्देश था सर, ये कार्य अब प्रारंभ हो चुका है सर। जो समीक्षा हाल ही में हम लोगों ने की उसमें ये परिलक्षित हुई है सर कि सरगुजा के 28, दंतेवाड़ा के 6, बालोद के 5, सूरजपुर के 2 और कबीरधाम के 2 गोठान अब स्वालंबी हो गए सर। उनको राशि अब राज्य शासन से कोई अपेक्षा नहीं है सर, वो लोग अपना काम कर लेंगे सर। विशिष्ट गतिविधियों का ध्यान आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कबीरधाम में सर कोसा उत्पादन और मधुमक्खी पालन पर जोर देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दुर्ग में सर दीपावली के संदर्भ में जो दिए बनाए थे सर, सबसे ज्यादा आय दुर्ग जिले में ही प्राप्त हुआ है सर, और सब्जी बाड़ी का काम बहुत अच्छे से दुर्ग क्षेत्र में हो रहा है सर। कोरिया में सर पिछली बार जैसे मैंने निवेदन किया, हल्दी की खेती करके करीब 42,00,000 रुपए घोटानों ने प्राप्त किया सर। वहीं सर सौंफ की खेती प्रारंभ कर रहे हैं करीब 30 एकड़ में और इसमें सर केवीके का बहुत बड़ा योगदान है सर। निवेदन करूंगी, पिछली बार जो समीक्षा आपने की थी उस समय केवीके को 10-10 गोठान गोद देने के लिए और हर महाविद्यालय को 5-5 गोठान देने के लिए निर्देश दिए सर, उसका पालन प्रारंभ हम लोगों ने कर दिया है सर। बीजापुर और बस्तर में बायोगैस संयंत्र का जो स्थापना की थी सर, उसमें घरों में और आंगनवाड़ी में गैस उपलब्ध कराने के प्रबंध भी हो चुका है सर, और ये बहुत ही उत्साहवर्धक काम है सर, वो भी बस्तर रीजन में हुआ है। अन्य जो गतिविधियां हैं सर, इसमें मुंगेली और जशपुर में मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए फोकस करके काम कर रहे हैं। जशपुर में सर 360 तालाब में ये कार्य प्रारंभ हो गया है सर। बलरामपुर में सर मधुमक्खी और शकरकंद का काम प्रारंभ किया है और धमतरी में सर फ्लोरिकल्चर का जो काम है वो नगरीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा गोठानों से संबद्ध होकर काम किया गया है सर। बलौदा बाजार में मशरूम उत्पादन भी शुरू किया है सर। विभिन्न गोठानों में आपके निर्देशानुसार जो आजीविका मूलक कार्य है वो सब प्रारंभ हो चुके हैं सर। उन कार्यों के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से सर वर्किंग शेड, भंडारण कक्ष और शौचालय इनका निर्माण निरंतर अब चल रही है। कोरिया में बहुत अच्छा काम इस संदर्भ में हो चुका है सर, बाकी जिले भी इस तरह से कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स है सर, मैं निवेदन करूंगी आप अवलोकन करना चाहेंगे। आगे बढ़िए सर, ये कबीरधाम का मधुमक्खी पालन है सर। आगे आगे ये नगरी का है सर। आगे ये बलौदा बाजार का मशरूम। आगे
सर ये दंतेवाड़ा में कड़कनाथ, आगे ये सर मल्टी यूटिलिटी सेंटर है कोरिया का सर, बहुत अच्छा काम वहां शुरू कर रहे सर, हर गोटान में 5 गतिविधियां सर, आगे ये सर कांकेर का मछली पालन का काम है सर, आगे आगे सर ये गैस का जो प्रबंध किया है सर, घरों में भी किया है आंगनवाड़ी में भी किया है सर, आगे आगे वो दो छोटे वीडियो सर एक एक मिनट का है, आप दिखाएंगे जल्दी सर जी सर बिल्कुल सर धन्यवाद सर। सर आपसे निवेदन है कि दो शब्द इस अवसर पर कहने का कष्ट करेंगे। हर्ष का विषय है कि आज
गोधन न्याय योजना में एक और किस्त गौ पालकों को और संबंधित समूहों को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान किया गया। जिस दिन से इस योजना की शुरुआत की गई है, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जब इसकी लॉन्चिंग की गई तो पहले हम लोग भी सोचते थे कि किस प्रकार से ये शुरू हो पाएगा। हालांकि गांव के रहने वाले हैं, ये काम गांव में हम लोग करते रहे हैं, पर प्रदेश स्तर पर, बड़े व्यापक स्तर पर इस प्रकार गांव में गौठान बंद होने के कगार पे रहा है, पशुपालन की ओर लोगों का रुझान खत्म हो चुका था, उस स्थिति में इसको शुरू करना और इस व्यापक तौर पर करना, गौठानों का निर्माण, सेट का निर्माण, वर्मी खाद का निर्माण और उस जगह में अन्यान्य व्यवसाय को भी शुरू करना, ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया। इससे हमारे गांव के महिला समूहों को, पशुपालकों को, और बड़ी बात इससे जो जानवर खुला छोड़ देते थे उसकी सुरक्षा इसके माध्यम से, एक्सीडेंट के माध्यम होता था उसको, तो बहुत अच्छी योजना है और इसके लिए जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय कृषि मंत्री जी को भी, रविन्द्र चौबे जी को, माननीय पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी को, सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप हमारी सबसे बड़ी योजना को आपने शुरुआत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर दो शब्द कहने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद मैम। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय कृषि मंत्री जी, सम्माननीय गृह मंत्री जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, दिवाली के समय एक तोहफा, एक सफल पहल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई, उस वृक्ष में अब फल लगते दिख रहे हैं। 53 करोड़ 53 लाख रुपए इस दरमियान छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हाथ में पहुंच चुके हैं। औसतन मैं देख रहा था 1,32,855 हितग्राहियों की बात है, तो औसतन प्रति व्यक्ति 4,000 रुपया आपने उनके हाथ में दे दिया। और आने वाले समय में तो शुरुआती दिन है, जैसे जैसे गोबर का संग्रहण और उसके वर्मी कंपोस्ट में बन के उसका वितरण होगा तो और आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी। ये तो केवल गोबर का हम हिसाब लगा रहे हैं, जिसमें मात्र गोबर के माध्यम से 53 करोड़ 53 लाख। अब ये गोबर वर्मी कंपोस्ट में 8 रुपए, उससे अधिक रुपए में भी बिक्री हो सकता है और उसकी राशि जब आपके पास वापिस आएगी तो अतिरिक्त आमदनी के रास्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ी पहल जिसमें अभी और मंजिले पानी है, 5,234 पंचायतों में इसका निर्माण होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहा है और निर्देशन दिया है कि इस वर्ष के अंदर सभी गौठान स्थापित हो जाने चाहिए, तो प्रारंभ करके स्थापित करने की जवाबदारी जो उन्होंने पंचायत विभाग को दी है, हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि उनको निराश नहीं करेंगे। और ये प्रयोग दिल्ली में भी इसकी लोग चर्चा करते हैं और लोग मुझसे भी पूछते हैं कि ये क्या है, तो मैंने उनको बोला कि बाकी चीज आप, मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन ये एक ऐसा प्रयास है जिसको मैं पूरी तरह से सफल मान रहा हूं। एक प्रयोग, क्योंकि लगता है कि ये क्या हो रहा है, गोबर बिक रहा है, हम आधुनिक युग में ग्रहों में जाने की बात कर रहे हैं, वायु मंडल में भ्रमण करने की बात कर रहे हैं, निजी सैलानी, अब हम लोग अलग अलग जगहों पे देशों में पर्यटन के लिए जाते थे, अब स्पेस में ट्रेवल की बात हो रही है और उस समय गोबर की बात। तो ये गोबर की बात मुख्यमंत्री जी के और उनके माध्यम से की गई पहल, सीधा आर्थिक सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ के नागरिकों का ये है और इसकी सफलता में मुझे पहले दिन से संदेह नहीं था, आज और मन पक्का होते जा रहा है इसके क्रियान्वयन को देख के। और जैसे आंकड़े आ रहे हैं कि गौठान स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं, तो शासन के तरफ से भी मदद की आवश्यकता आने वाले दिनों में नहीं होगी, इससे सफल प्रयास नहीं हो सकता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय
कृषि मंत्री जी को, सभी अधिकारियों को जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको पंचायत मंत्री जी को तो नहीं दे सकता, लेकिन विभाग को जो जो उन लोगों ने काम किया है, तो सबको बहुत बहुत बधाई, ये काम अच्छे से करते रहेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय कृषि मंत्री जी से कि इस अवसर पर दो शब्द कहने के कष्ट करेंगे। हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानी महाराज साहब, बहुत ही आदरणीय बड़े भैया श्री ताम्रध्वज साहू जी, सम्मानी सुब्रत जी, आदरणीय गौरव जी, आदरणीय गीता मैडम मंगई जी, सोमिल जी, परदेसी साहब, तारण जी, मेरे विभाग के दोनों अधिकारी संचालक महापेश्वरन जी, डॉक्टर जगदीश सोनकर जी, ठीक दीपावली के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 6,18,00,000 रुपया गोपालकों को और गरीबों को हस्तांतरित करने का आज कार्यक्रम है गोधन न्याय योजना के तहत। दीपावली मनाने के लिए अभी हम अपने गांव में थे, कुछ गांवों का भ्रमण भी किए। बहुतों को विश्वास नहीं होता था कि इससे किस प्रकार लाभ होना है, लेकिन जब रोज मिलने वालों ने बताया कि किसी के खाते में 30-32 हजार गोपालकों के खाते में, ऐसे गरीब, मैं एक समुद्वारा करके गांव गया था, सूखा ताल की कांतिबाई साहू, उसके पास एक गैया भी नहीं है और एक एकड़ जमीन भी नहीं। कार्यक्रम के दौरान वो खुद आके बताई लोगों के सामने कि सवेरे से एक नाती और एक नतनीन को ले करके और खुद वो गांव में जितने जानवरों की चराई का इलाका होता है उसके पीछे पीछे वो लोग घूमते हैं और पर डे मिनिमम 1,000 रुपया पर डे। मैं उसको फिर से पूछा, ते ज्यादा तो नहीं बतावा सर, नाम बता रहा हूं, कांति भाई साहू, तो वो उन्होंने कहा कि मैं कम बतावा था, 2 दिन का उन्होंने कहा 3,000 के में बेचे। ग्राम तेंदुभाठा मेरे बाजू वाला, मैं जब सरपंच था तो गांव मेरे पंचायत का हिस्सा था, तब हम लोग गोबर की नीलामी किया करते थे। वहां का यादव परिवार के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा 35,000-40,000 उनके खातों में। मने इस योजना को आप महत्वाकांक्षी बोलेंगे, गरीबों के लिए ये क्रांतिकारी योजना है, अद्भुत योजना है। सौभाग्य से इसको शुरू किया, अभी केवल चौथा महीना चल रहा। हम लोगों ने जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो धान खरीदी प्रारंभ किया था, तो पूरे एक साल में हमारा पूरी व्यवस्था लगभग ध्वस्त जैसे हो गई थी, मंडियों में किस प्रकार से खरीदी हो, पेमेंट किस प्रकार से हो। और उस समय भी हम लोग कैबिनेट के मेंबर थे, माननीय जोगी जी को हमारे दाऊ वासुदेव जी चंद्राकर, जिनके नेतृत्व में, जिनके नाम से हमने कामधेनु विश्वविद्यालय का नामकरण किया है, उनके नेतृत्व में मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से। तब प्राइमरी सोसाइटी बने, हमको उस योजना को भी लाइन में लाने में 1.5 साल और 2 साल लग गए थे, और ये गोधन न्याय योजना की केवल शुरुआत से ही। और ये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार कहूं, या उनकी कार्य क्षमता की प्रशंसा करूं, या प्रदेशवासियों के प्रति उनके कमिटमेंट की जितनी तारीफ की जाए। आपने कहा कि 15 दिन में गोधन न्याय योजना का राशि गरीबों के खाते में जाना ही चाहिए। हमारे सारे कार्यक्रम 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन अब गोधन न्याय योजना बिल्कुल बिल्कुल सुनिश्चित तारीख लगातार आपके माध्यम से। और मैं तो अपने विभाग के अधिकारियों को भी बहुत बधाई दूंगा इस योजना के लिए। क्या है कि हमारे सारे कामों को करते हुए भी इसकी प्राथमिकता तय करके कि इस तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के जी के हाथों ये गरीबों के खातों में हस्तांतरित करना ही है। हालांकि पिछले बार जब किए थे 8 करोड़ से ज्यादा राशि, इस बार थोड़ा 2 करोड़ रुपया लगभग कम हुआ है,
दीपावली का समय है, लोग थोड़ी धान कटाई में लगे हुए हैं, गोबर को लोग इकट्ठा भी कर रहे हैं, कई जगह वर्मी कंपोस्ट बनने का काम शुरू हुआ है, कई जगह टांकों का काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय पंचायत मंत्री जी आप दोनों ने और माननीय मुख्य सचिव जी ने भी लगभग तीन तीन चार चार बार सारे प्रदेश के सारे जिलों के सीओस की बैठक आपने ली है और काम गति है। और हम लोगों ने तो और माननीय कलेक्टरों से अनुरोध करके जहां जहां नरेगा में आप पक्का टाका बनाएंगे वो तो काम चल ही रहा है, जहां जहां और जल्दी है हमने कहा, जिसको आप अभी आप देख रहे थे कबीरधाम जिले के हमारे खुद के जिलों में, उस तरीके से भी अब अस्थाई जैसा टाका बना करके इन कामों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए, और सब लोग प्रश्न करते हैं तो अब लोगों को लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ का ये गरीबों के लिए इससे और बड़ी योजना कुछ हो नहीं सकती। इसके साथ साथ अब ग्रामीण विकास विभाग को आपने कहा, माननीय मंत्री जी को आप धन्यवाद नहीं दे सकते, मैं तो हृदय से धन्यवाद दे सकता हूं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सारा काम तो आप कर रहे हैं, पंचायती राज एक्ट के तहत गोठान समिति आपने बनाया, वर्मी टांकों का निर्माण आपने किया, गोठान आपने बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के सारे निर्देश से ग्रामीण विकास विभाग सारा काम कर रहा है। हम लोग तो मॉनिटरिंग करते हैं वर्मी कंपोस्ट कैसा बनाया जाए, उसकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है, उसमें किस तरीके से और तकनीकी रूप से उनको सपोर्ट हो सकता है, सारा काम तो आपके विभाग ने भी खूब इसमें हमारी मदद की है। और जैसा आपने अपने उद्बोधन में ही कहा है कि आने वाले इस वित्तीय वर्ष के समापन तक लगभग सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक गोठान का निर्माण हो जाएगा, तो ये हमारा जो कार्य है बहुत आगे बढ़ेगा। अर्बन एरियाज के बारे में भी मैं मैडम मंगई को भी बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मेहनत कर रही हैं, जब भी हम लोगों को पूछना होता है आपके हर बार आपकी भी मेहनत बहुत प्रशंसा। और शहरों में अब दोनों मिलके शहरों के करीब जो गैया सड़कों पे अब तो लगभग खत्म हो कम हो गया है, उसके बावजूद भी थोड़े थोड़े अभी शेष हैं, तो और गौठान शहरों से लगे हुए कहाँ कहाँ हम लोगों को बनाना है, आपसे और ग्रामीण विकास विभाग से बैठ करके इसको करेंगे तो जो एक बड़ी समस्या होती है शहरों में गैया की घूमने की, उसको भी हम रोक पाएंगे। वर्मी टाके बनाने के बाद वर्मी कंपोस्ट जो तैयार किया जा रहा है, अब मार्केटिंग शुरू हो गया है, लगभग 10,000 क्विंटल हमारे पास तैयार हो गया है, और अभी छोटे छोटे कई गोठानों से थोड़ा बहुत लोगों ने निकाल भी दिया है, लेकिन टेस्टिंग के बारे में बात हो रही थी, पैकेजिंग के बारे में बात हो रही थी, सब कुछ वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं के द्वारा हम लोग करा रहे हैं, तो एक अच्छा प्रयास है। आजीविका मिशन और रोजगार के संदर्भ में दो कुछ हम लोगों ने क्लस्टर उसको अप्रोच से करने का भी प्रयास किया है, कोरिया का जैसे आपने उदाहरण दिया, कबीरधाम का उदाहरण दिया, बीजापुर का उदाहरण दिया, हमारे दुर्ग का उदाहरण दिया। अब आने वाले समय में हम लोग सारे केवीके को इसके लिए अधिकृत किए हुए हैं कि एक केवीके कम से कम 10 गोठान में, इस अप्रोच से आगे बढ़े कि क्या क्या वहां रोजगार, किस तरीके से सेट बनाने का काम, किस तरीके से एसएचजी के महिलाओं को जोड़ने का काम, उसकी मार्केटिंग करने का काम। अब हम एग्रीकल्चर कॉलेजेस को भी इससे जोड़ना चाह रहे हैं, इससे दो बातें होंगी, थोड़ी सी हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट के पास अमले की थोड़ी कमी है, आज की तारीख में 30% भी हमारा अमला नहीं है, लगातार मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ फाइनेंस से, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे पिछली बैठक में आदेश किए कि अब केवीके को जोड़ना है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस को जोड़ना है, हमको अच्छे हैंड मिल जाते हैं, स्किल मिल जाता है, जो हमारी गौठानों में जो हमारी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट और कहां से हम केचुआ ला सकते हैं, सारी व्यवस्था को करके अब एक दिन और बैठ करके आजीविका मिशन के कौन कौन से काम किन किन गौठानों में किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें भी आने वाले समय में एक हम लोग शुरुआत करेंगे, ताकि तीनों प्रकार से, एक तो गरीबों की मदद हो, दूसरा हमारी खेती का सुधार हो, ऑर्गेनिक खेती की दिशा में हमारे किसान आगे बढ़े, चरी चरागाही कम हो, गोमाता की रक्षा हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं रोजगार से जुड़ करके काम करें और वहां नए नए उत्पाद करें और स्वरोजगार की दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकें। तो जो सुराजी गांव की हमारी कल्पना है, बापू के ग्राम स्वराज की जो हम लोग बात करते हैं, उसको साकार करने में हम लोग सफल हो पाएंगे, और इसके लिए हमारे पूरे विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होते रहा है, और आने वाले समय में और हम लोग इसको और सुधार करके, अभी शुरुआत है, साल भर जब पूरा हो जाएगा, सारे गोठान बन जाएंगे,
तो पूरा मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा, मार्केटिंग का व्यवस्था हो जाएगा, प्राइमरी सोसाइटी के थ्रू किस तरीके से करना है, किसानों को नॉलेज हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे। जैसे अभी आप दिखा रही थी कि साइकिल में भी लोग गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट को ले जा करके अपने खेतों में डाल रहे हैं, तो आने वाले समय में इस दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से मैं फिर से सभी ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार करता हूं और आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको आशीर्वाद के वचन कहें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय टी एस सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, ए सी एस सुब्रत साहू जी, गौरव द्विवेदी जी और गीता मैडम और सभी अधिकारीगण, सभी गौपालकों को मैं बधाई देता हूं कि अभी तक के 5 अगस्त से जो शुरू किए थे, आज 20 नवंबर को लगभग 53 करोड़ 53 लाख रुपया उनके खातों में अंतरित कर दिया गया है। आप सबको बधाई देता हूं, दीपावली की भी बधाई शुभकामना और देव उठनी आने वाला है उसकी भी आप सबको बधाई और शुभकामना। साथियों, ये संतोष का विषय है कि इस कार्यक्रम को सभी लोगों ने हाथों हाथ लिया। मन में कुछ शंका जरूर रही है, लेकिन शासन की योजना के प्रति जो विश्वास आप लोगों ने किया और उसके अनुरूप कार्य किया है, इसके तहत अभी तक के 1,32,000 गौपालकों को ये 53 करोड़ रुपया मिल चुका है। और जैसे कि महाराज साहब ने बताया कि 4,000 प्रति व्यक्ति को गया है, मतलब ये 4 महीने ही हुआ है, तो प्रति माह हर व्यक्ति को 1,000 रुपया मिला है। तो यदि किसी पेंशनधारी से यदि तुलना करें तो उससे 3 गुना से भी अधिक राशि प्रति व्यक्ति को मिल रहा है। दूसरी तरफ वर्मी कंपोस्ट जो बनाया जा रहा है, जिसके बारे में विभाग ने जानकारी दी है कि अभी 9,906 क्विंटल उत्पादन हो चुका है, जिसमें 1,459 क्विंटल विक्रय भी किया जा चुका है। अभी अब हम लोगों को विभाग को ये समीक्षा करने पड़ेगा कि प्रति किलो गोबर से कितना हमारा वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, वो एवरेज में आना चाहिए, वो एवरेज अभी तक के निकल जाना चाहिए और प्रति हर गौठान में इसके आकलन होना चाहिए कि हमने इतना गोबर खरीदा, इतना वर्मी टंकी में गोबर डाले और उसके बाद जो वर्मी कंपोस्ट बना उसकी मात्रा कितनी है, वो रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए और औसत पूरे प्रदेश स्तरीय औसत एक निकाल के उसे प्रति हर गौठान को निर्धारित करना पड़ेगा कि इतना वर्मी कंपोस्ट बनना चाहिए। यदि उससे कम होता है तब भी गलत है और यदि ज़्यादा बन रहा है तब भी क्वालिटी में कहीं कहीं समझौता किया जा रहा है, तो इस बात को हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। उससे जहाँ जब एवरेज निकल जाएगा तो उससे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन में बन रहा है और कितने दिन की मेहनत बाद कितनी राशि उनको मिल रही है, वो भी एवरेज निकल जाएगा। जिस प्रकार मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले दिनों मैंने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिया था कि हमें सभी गठानों को स्वावलंबी बनाना है और इस मामले में सरगुजा ज़िले से 28 गौठान स्वावलंबी बने हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। दंतेवाड़ा जैसे जिसे हम आकांक्षी जिला में शामिल किया भारत सरकार ने, वहां 6 गौठान, बालोद में 5, सूरजपुर में 2 और कबीरधाम में 2 गौठान हैं, वो स्वावलंबी हो गए हैं। उसे अब शासन की राशि की आवश्यकता नहीं है, वो वर्मी कंपोस्ट बना के ही अब गोबर के भुगतान करने के लिए वो सक्षम हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से सभी गौठानों को आत्मनिर्भर बनना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है, तो इसके लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं उन साथियों को, उन बहनों को जो स्वावलंबी बने हैं उनको, और उन साथियों को भी को सजग मैं करना चाहता हूं कि आप सबको भी जितने भी 3700 गौठान अभी बने हैं उनको भी स्वावलंबी बनना है, उसके लिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ। साथ ही ये भी अब कृषि विभाग को एक और अध्ययन करने की आवश्यकता है कि कितने लोग हैं जो केवल जैविक खेती
वर्मी कंपोस्ट का ही उपयोग करके, चाहे वो चना उत्पादन कर रहे हैं या गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, सरसों उत्पादन कर रहे हैं, इनकी सूची बनाना चाहिए, क्योंकि 3 या 5 वर्ष बाद वह जैविक खेती के मानदंड, 3 साल में वो मापदंड में आ जाते हैं। तो यदि आप उसको सर्टिफिकेशन करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी जो अनाज है उसकी कीमत ऑर्गेनिक खेती की जो है, मैं नेहरू नगर के जो बहने हैं वो बाड़ी में सब्जी उगाती हैं, केवल ऑर्गेनिक गोबर खाद का ही वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं, तो नेहरू नगर में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके लाइन लगा के सब्जियां खरीद रहे हैं। तो उस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो एक तो वर्मी कंपोस्ट माध्यम, जहां गोबर से लोगों के आय में वृद्धि हुई, वहीं वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से कितने हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये भी आपको सूचीबद्ध करके बताना होगा उनके। जैसे अभी आपने बताया कि दिया बनाया, उसमें भी 2400 रुपया प्रति महिला वो लोग प्राप्त किए दीपावली सीजन में। तो उसी प्रकार से सभी के आय में कितनी वृद्धि, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने आय हो रहे हैं, वो आपको बताना होगा। और साथ ही अब जो काम करने की आवश्यकता है वो सब्जी बाड़ी की तरफ, सब्जी जो बाड़ी योजना है उसके माध्यम से बहुत सारे हमारी बहनें उसमें काम कर रही हैं, और खासकर दुर्ग जिले में पाटन विधानसभा में मैंने देखा कि बहुत लगन के साथ वो महिलाएं काम कर रही हैं, ड्रिप इरीगेशन भी है और सभी प्रकार की सब्जियां उत्पादन कर रही हैं और लाखों रुपये एक सब्जी अभी तक के बेच चुके हैं। तो उसके आय में निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है। और इस योजना को हमको मध्यान्ह भोजन से जोड़ना चाहिए, जो मध्यान्ह भोजन में हमको जो सब्जी की आवश्यकता पड़ती है वो सब्जी के पूर्ति इन जो बाड़ी योजना है उसके माध्यम से हो, ताकि ताज़ा सब्जी मिले हमारे बच्चों को, हरी सब्जी मिले और पौष्टिक सब्जी मिले और ऑर्गेनिक भी होगा, तो ये फायदेमंद होगा हमारे बच्चों के पोषण, कुपोषण से लड़ने में एक योगदान होगा। और एक बात जो कहना चाहता हूँ, ये अभी बहुत सारे इस सप्ताह में, पिछले समय हम लोग 9 करोड़ से अधिक की राशि वितरण किए थे, इसमें इस 15 दिन में 6 करोड़ 19 लाख रुपए के वितरण किए। इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो दीपावली है, दूसरा अभी 11 में लिपने के लिए गोबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि धान की कटाई शुरू हो चुके हैं, तो इस कारण से भी हो सकता है। एक तीसरा कारण जो समझ आया ये है कि गोबर तो हो गया है लेकिन हमारे वर्मी टाँके नहीं बन पाए हैं, तो उन गौठानों में आपको हर गौठान में कितने जानवर कि उस गांव में कितने जानवर हैं और कितने पशुपालक गोबर बेचते हैं, उसकी मात्रा प्रतिदिन कितनी है, और उसके हिसाब से आपको टंकी का निर्माण करना चाहिए। किसी गांव में कम हो सकता है, किसी गांव में 500 जानवर, किसी गांव में 1500 जानवर है, तो दोनों में बराबर टंकी की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग गाँव में अलग अलग ज़रूरत है। बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जिसमें पशुओं की संख्या तो है लेकिन वहाँ किसान खुद अपने गोबर कंपोस्ट बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ गोबर गौठान में विक्रय के लिए कम मात्रा में लाया जाता है, तो उसको आपको असेसमेंट करना होगा और उसके हिसाब से आपको पर्याप्त मात्रा में टंकी का निर्माण करना होगा। अन्यथा बहुत जगह से ये शिकायतें मिली है कि हमारे पास गोबर तो है लेकिन गौठान समिति खरीद नहीं रहे हैं। उसका कारण ये, जब हमने समितियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी टंकी पूरे भर चुके हैं, अब उसको भरने के लिए हमारे पास कोई टंकी खाली नहीं है। तो उसको आपको जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको आपको निर्देशित करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में गौठान वर्मी टंकी का निर्माण कर ले। दूसरा ये है कि दूध उत्पादक जितने भी मवेशी हैं उसके लिए अजोला बहुत फायदेमंद है, और अजोला जो टंकी बनता है और उसको आधा किलो या 250 ग्राम प्रति दुधारू जानवर को देते हैं तो उसको दूध उत्पादन बढ़ जाता है, उसके उत्पादन भी हम लोगों को गांव-गांव कराना चाहिए। अभी चूंकि धान कटाई का सीजन है, अब 3700 एक्टिव हमारे गौठान हैं, 5700 के आसपास गौठान बन चुके हैं, तो इस समय अब चारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी किसानों से मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि पैरा दान करें, क्योंकि ये मवेशी आप ही के गांव के हैं और उसके चारा की ज़रूरत खास, अभी तो बाहर में चारा मिल जाएगा लेकिन 2 महीने बाद
जब पूरी तरफ घास सूख जाएंगे तो जानवरों को उस समय चारा की किल्लत होगी और फिर फसल को नुकसान करेंगे, तो आप ही फसल नुकसान होगा आप ही के गांव के जानवर के माध्यम से। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप पैरा दान करें और उसको एकत्रित करने का काम सरपंच और गौठान समिति के लोग करें, ताकि आने वाले 12 महीने मवेशियों को पर्याप्त मात्रा में चारा मिल सके। दूसरा फायदा ये होगा कि जैसे कि दिल्ली या हरियाणा पंजाब में जो शिकायतें आ रही है, पैरा जलाने से पूरा प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रदूषण वैसे भी कम है, लेकिन यदि हम पैरा नहीं जलाएंगे तो दो तरीके से फायदे होंगे। एक तो प्रदूषण कम होगा और दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे जानवरों के लिए पर्याप्त चारा की उपलब्धता होगी। और तीसरा फायदा आप ही को होना है। इस साल मुझे जो जानकारी मिल रही है वो उन्हारी के रकबे में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि बहुत सारे गाँव में ये चरी चरागन के कारण से जो उतेरा नहीं डालते थे या चना गेहूं और तिलहन के उत्पादन नहीं करते थे, इस साल गौठान सक्रिय होने के कारण से, जानवरों के प्रबंध होने के कारण से उन गांव में खेती के रकबा में रबी फसल में वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में और भी सुधार होगा और हमारे किसान केवल बरसात की फसल नहीं बल्कि रबी फसल लेने में भी सफल होंगे। तो ये आप ही के फायदे के लिए है। और तीसरा, हम जैविक खेती, अब ये हम लोगों अभी 10,000 क्विंटल हुआ है, अब ये भी असेसमेंट करना पड़ेगा कि टोटल हमको यूरिया पोटास सुपर फास्फेट कितने मात्रा में आवश्यकता होती थी और ये हमारा साल भर में ये वर्मी कंपोस्ट कितना उत्पादन होगा, कितने किसानों को हम इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, इसके अध्ययन करते हुए उतने किसानों को हम लोग प्रेरित करें, या फिर उसके बाद हर किसान को भी ये वर्मी कंपोस्ट देने का प्रावधान हम लोगों को कर लेना होगा। एक और बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों को एक और काम, जो खासकर जिसके बारे में चौबे जी ने जो बात कही है, वो दूध उत्पादन की दिशा में, अब कृत्रिम जब गौठान हो गया है, सारे जानवर वहीं रहते हैं, तो जितने भी बछवे हैं उसके खसी करने का काम, और दूसरा जो कृत्रिम गर्भाधान करके दूध उत्पादन बढ़ाने का काम हमको करना है, तो अगला हमारा टारगेट होगा कि हम मिल्क रूट सभी ब्लॉकों में बनाएं, ताकि वो तैयारी हमको धीरे धीरे करनी पड़ेगी। इस साल यदि कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो अगले साल हमारा दूध उत्पादन बढ़ेगा, तो दूध कलेक्शन के सेंटर के बारे में भी हम लोगों को सोचना होगा, ताकि वहाँ के किसानों को या जो गौ पालक हैं उसके दूध की कीमत मिल सके और दूध का वितरण हम पूरे प्रदेश में कर सकें, ताकि हमारे बच्चे जो कुपोषित हैं उस लड़ाई में योगदान दे सकें, खासकर उन गांवों में जहां मवेशियों की संख्या अधिक है, वहां गोबर गैस प्लांट फायदेमंद हो सकता है। लेकिन शहरी इलाके में नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में जहां मवेशियों की संख्या अधिक है या आवारा पशुओं की संख्या है अधिक है, उन आवारा पशुओं के लिए भी अपने गौठान बना के उसके जो गोबर है उससे हम लोगों को गोबर गैस प्लांट डाल के वो भी आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना गोबर एकत्रित हो रहा है, और उतने बड़े टंकी हम लोग उस प्रकार से हर नगर निगम में बनाएं और गोबर गैस प्लांट डाल के यदि कंप्रेस्ड सिलेंडर हम भर सकें तो निश्चित रूप से हम सस्ते दर पे ईंधन हम शहरी गरीब लोगों को भी उपलब्ध करा सकेंगे। तो प्रत्येक नगर निगम में मवेशियों के संख्या को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जितने भी नगर निगम हैं उसके आउटर ग्रोथ में जितने गांव आपके आते हैं वहां पशुओं की संख्या है, बहुत सारे डेयरी हैं, तो उसके आपको नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में कितने जानवर हैं, कितने गोबर उपलब्ध हो रहे हैं, उसके हिसाब से उतने क्षमता के आपको टंकी बनाने होंगे, गोबर गैस प्लांट बनाने होंगे और उससे कितना उत्पादन होगा, तो फिर निजी क्षेत्र में लोगों को उसका ले लेना चाहिए, उसका सहयोग लेना चाहिए, और सस्ते दर पे कैसे हम गोबर गैस लोगों तक पहुंचा सकें, रिफिलिंग की व्यवस्था हो सके, ये भी हम लोगों को करना चाहिए, ताकि शहरों में आवारा पशु जो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी ना दिखे, गोबर जो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं वो भी नहीं होगा, स्वच्छता के दिशा में भी आगे बढ़ेंगे और सस्ता ईंधन भी हमको मिलेगा, और उसके साथ साथ हम जहाँ एक तरफ गोबर गैस का पैसा मिलेगा वहीं वर्मी कंपोस्ट का भी पैसा मिलेगा,
तो यदि जितने नगर निगम में है वहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यदि गोबर खरीद ले तो अच्छी बात, नहीं खरीद सकते तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की सोसाइटियों में उस वर्मी कंपोस्ट को दिया जा सकता है। तो ये काम आप लोगों को तत्काल इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं पुनः आप सबको बधाई देते हुए और ये अपेक्षा के साथ जो अभी 5700 आपके गौठान बने हैं तभी 11000 हमारे पंचायत हैं, तो प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक गौठान तो बन ही जाना चाहिए। जो वनांचल एरिया है उसमें भी जो हमारे 44% जंगल है वहाँ भी हम लोगों को आवर्ती चराई योजना के माध्यम से उसको चिन्हित करने होंगे और वहाँ भी गौठान समिति के माध्यम से संचालित करने की आवश्यकता है, ताकि चाहे वो बस्तर हो चाहे सरगुजा या बिलासपुर जहाँ जहाँ हमारे जंगल हैं वहाँ भी आवर्ती चराई के लिए भी उसके योजना के दिशा में हम लोगों को काम करने होंगे, ताकि प्रत्येक जो गांव है 20,000 गांव हैं उसमें उस लक्ष्य तक हम पहुँच सकें। इस साल तो हमारा लक्ष्य प्रत्येक पंचायत में कम से कम गौठान बन जाए, अभी 5700 बने और 11000 आपको गौठान बनाने हैं, तो इस दिशा में आगे बढ़ें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.